नमस्ते, शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते। थालीपीठ का तड़का बनाने के लिए पैन में एक चम्मच घी लेंगे। घी गर्म होने के बाद उसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, 4-5 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तड़का होने के बाद साइड में रख देंगे। थाली पीठ का आटा बनाने के लिए 1 कप राजगिरी का आटा लेंगे, 1/2 कप समा चावल का आटा लेंगे, 1/2 कप साबूदाना का आटा लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, 1/2 कप मूंगफली का पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें तैयार किया हुआ तड़का डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गून लेंगे। हमें नरम आटा गून लेना है। अच्छे से आटे को गून लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के आटा गून लेंगे। इस तरह से थाली पीठ का आटा गून लेंगे। थाली पीठ का आटा तैयार है। आटे को ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद थाली पीठ बनाएंगे। रोटी का पाटला लेंगे, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा डालेंगे। तैयार किया हुआ आटा लेंगे। अब थाली पीठ बनाएंगे। आटे की लोई बना लेंगे। कपड़े को गीला कर लेंगे। थाली पीठ तैयार कर लेंगे। पानी का हाथ लेके थाली पीठ बनाएंगे। अब इसमें छेद कर लेंगे। थाली पीठ तैयार है। तवे पे डाल के सेक लेंगे। ऊपर से और साइड से घी डालेंगे। थाली पीठ को सुनहरा होने तक पका लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। अलट पलट के पका लेंगे। उपवास का थाली पीठ तैयार है। प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। दही के साथ सर्व करेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।